बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? तो जी, आज मैं होममेड ब्यूटी उपटन सोप बना रही हूँ, तो आप लोग ये ज़रूर बनाएं। और इससे आपके पता है क्या होगा, ये उपटन सोप इस सब कलर फेयर होगा, ब्राइडल लुक आएगा आपके चेहरे में, और एक्ने स्कार्स, रिंकल, पिगमेंटेशन और कलर बहुत फेयर होगा इससे। आप लोग खुद एक दफ़ा ट्राई करेंगे ना, घर पर बनाएंगे तो इसमें इंग्रेडिएंट्स ही ऐसे डले, मतलब ऐसी चीज़ें डली जो आपकी स्किन को नेचुरल, बिल्कुल ये घर का सोप होममेड होगा। अगर आपकी स्किन में बहुत छाइयाँ हैं, दाग धब्बे, दाने या कलर आपको बहुत डल हो रहा है, बहुत ख़राब हो रहा है, तो आप लोग ये ज़रूर एक दफ़ा ट्राई करें। आपको यकीन करें, इससे इतने अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे कि आप लोग खुद हैरान हो जाएंगे। चले मैं आपको अब इसके इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ, इस पर क्या क्या डल है। तो जी, ये इसके लिए सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ, मैंने इसमें पांच चीज़ें ली हैं, बिल्कुल पाउडर फॉर्म में लिया है ये मैंने। तो इसको मैं बताऊँगी आपको क्या क्या मैंने लिया है। ये मैंने लिया है, सब चीज़ें मैंने हाफ हाफ टेबल स्पून ली हैं। हाफ टेबल स्पून मैंने सैंडलवुड पाउडर लिया है, ये हाफ टेबल स्पून वाइट हल्दी ली है। आपको किसी भी पंसारी के शॉप से मिल जाएगी इजीली, बहुत सस्ती मिलती है। और ये हाफ टेबल स्पून मैंने घर पे ही, ये देखें, रोज़ पाउडर है, ये मैंने घर पे ही पीसा था, सुखा के, रोज़ की पत्तियां लेके पेटल्स को आप सुखा के अच्छे से कर लें। और ये आप इसमें लेंगे हाफ टेबल स्पून, ये भी मैंने घर पे नीम का पाउडर पे किया है। और ये मैंने कॉफ़ी हाफ टेबल स्पून ली है, और इसके लिए हमें दो वाइटामिन ई कैप्सूल चाहिए और रोज़ वाटर चाहिए। मैंने ऐसे ही किसी भी कंपनी का ले लिया, और ये सोप बेस चाहिए हमें इसके लिए। चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो जी, सबसे पहले हम पैन ऑन करेंगे, इसको फुल हीट में रखेंगे पैन को, और ये सोप बेस डालेंगे। मैं ऐसे मेल्ट कर रही हूँ, अगर आप चाहें तो आप लोग इसको, मतलब कि उसकी हीट में मेल्ट कर, बॉयलर से मेल्ट कर सकते हैं आराम से। सॉरी कहने में ज़रा थोड़ा मसला हुआ मुझे, तो वेलकम बैक। ये देखिए, मैंने मेल्ट कर लिया है अच्छे से साबुन। अब मैं इसमें ये सारी चीज़ें डाल दूँगी, सारे इंग्रेडिएंट्स डाल दूँगी मैं इसमें, अच्छे से मिक्स करूँगी। बहुत जल्दी जल्दी ठंडा हो रहा है ये ठंड की वजह से। इसमें मैं दो वाइटामिन ई के कैप्सूल डालूँगी, ये मैं अच्छी इसको कट कर लिया है, और थोड़ा सा रोज़ वाटर डालूँगी, सिर्फ थोड़ा सा, हाफ टेबल स्पून। और मैं इसमें ग्लिसरीन, आपको बताना भूल गई, वो भी मैं ऐड करूँगी इसमें ग्लिसरीन। इस पर मैंने थोड़ी सी ग्लिसरीन डाल दी है। अब इसको हम फिर दोबारा मेल्ट करेंगे, फिर मैं इसको सोप आपको बता के दिखाऊंगी करके कि किस तरह ये बनेगा, किस तरह से सही होगा। दोबारा सेट करके मैं इस बाउल में अच्छे से निकाल लूँगी। तो जी, देख सकते हैं आप लोग, ये देखिए इतना बन के तैयार हो गया, ब्राउन कलर का बना है, बिल्कुल कॉफ़ी कलर का, बहुत प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। चलो मैं इसको निकालती हूँ, मैं इसको सीधा बस इसमें ही निकाल लेना है इसको सेट होने। तो जी, मैंने सेट करके रख दिया है इसको। अब ये सेटिंग करके मैं इसमें फ्रिज में रखूँगी, फिर मैं इसको आपको लास्ट दिखाती हूँ। और इसमें कॉफ़ी है ये माशाल्लाह, आपके मतलब रिंकल्स, फाइन लाइंस और हल्के आँखों के गिर जो होते हैं वो टाइट स्किन करेगी, और नीम के पत्ते आपको आने वाली एक्नी से रोकेंगे। नीम का पाउडर जो मैंने इसमें शामिल किया, और इसमें मतलब कि आपको हर तरीके की, बहुत अच्छा है उपटन सोप है, ये आपको ब्राइडल फेस मतलब आपका ग्लो करेगा, इससे फेयर होगा। आप लोग खुद ये ट्राई करें सोप। मैं जब से मेरे मतलब घर का होम मेड ही करती हूँ, माशाल्लाह बहुत फ़र्क पड़ता है। और मैं इसमें रोज़ वाटर है, ग्लिसरीन है जो आपके चेहरे को मॉइस्चराइज रखेगी, वाइटामिन ई कैप्सूल है जो आपके चेहरे को यंग रखेगी, और रोज़ पेटल्स हैं इसके अंदर, मतलब रोज़ पेटल के रोज़ पाउडर है, वो आपके चेहरे को बिल्कुल मतलब कि नेचुरल लुक देगी, यंग करेगी, यंगर लुक देगी। कॉफ़ी है, हर चीज़ इसमें, सैंडलवुड पाउडर और
जो है वो तो आप जानते ही हैं कि माशाल्लाह उससे कितनी मतलब कि फ़र्क आपके चेहरे में पड़ता है और किरद हल्के और ये सब ख़त्म कर देती है आपकी। और हर चीज़ में माशाल्लाह देखना आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। आप ये एक दफ़ा मेरे कहने पे ट्राई ज़रूर ये सोप करिएगा, इंशाल्लाह देखना आपको इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। सब रिंकल दाग धब्बे दाने आपका, आप ये लोग एक दफ़ा भी सोप बना लें गर्मियों में भी सर्दियों में भी आपका आप मतलब कि सोप यूज़ करना छोड़ेंगे ही नहीं। उसमें वाइट हल्दी है जो एक्नी को स्कार जो आपके दाग धब्बे वो सब रुकेंगे। आप ये पूरी बॉडी में भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन मैं तो सिर्फ फेस के लिए अपने बनाती हूँ। चले अब मैं इसको फ्रिज में रखती हूँ और मैं आपको फिर दिखाती हूँ इसका लास्ट। जी ये होममेड सोप तैयार हो गया है। अब ये मैंने फ्रीजर से निकाल लिया है, ये कुछ इस तरीके का क्रीमी क्रीमी बना है। और आप लोग ये ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह देखिएगा आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। आपका चेहरे में ग्लो आएगा, शाइन आएगी, आपका चेहरा बिल्कुल ग्लो करेगा, आपकी स्किन बिल्कुल ब्राइट एंड लाइट कर देगा ये। चले आज की वीडियो अगर आपको मुझे पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।